लवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के लौकी लिए हैं। उन्हें अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और पानी में भिगो कर रखा था और उसे पानी से निकाल लिया है। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा लीटर दूध को गर्म के लिए रख लिया है और उस दूध में मैं सारी लौकी को डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से उबाल आ जाए जब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। देखिए, दूध में अब उबाल आ चुका है। मैं नीचे से चम्मच को चला रही हूँ ताकि हमारा हलवा नीचे ना लगे। अच्छे से नीचे हमें मिक्स करते रहना है और फ्लेम को मीडियम कर कुछ देर के लिए कद्दू को गलने के लिए रख देंगे। हलवे को हमने 20 मिनट तक लो फ्लेम पर रख दिया था। देखिए, अच्छे से दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और हमारा लौकी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं चेक कर लेती हूँ हमारा लौकी कितना और गलाना है या नहीं, चेक कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा दूध बचा है हमारा और देखिए अच्छे से टूट रहा है। अब हमारा ये लौकी गल चुका है, हमें और इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध बाकी हो तभी आप चीनी ऐड कीजिए। मैं इसमें खोया वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, डायरेक्ट चीनी डाल रही हूँ। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी अच्छे से घुल जाए फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से चम्मच को चलाते रहेंगे। दो इलायची मैंने दरदरा कूट लिया है वो इसमें डाल ली है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको कुछ देर के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दे। शक्कर भी अच्छे से पक जाए, बस हमारा हलवा कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। लौकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसे ज़रूर बनाइए। इस सीज़न में आसानी से मिल जाती है। मैंने 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। चीनी भी घुल चुकी है हमारी, इलायची का फ्लेवर भी अच्छे से आ रहा है। अब हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लेंगे और उसे धीरे से ऐड करेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है तो गुठलियाँ नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, मैं डालती हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है हाई फ्लेम पर। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। देखिए, परफेक्ट हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक और अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। देखिए, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं टेस्ट कर देखती हूँ ये चीनी वगैरह करेक्ट है या नहीं। चीनी हमारी परफेक्ट है और हमें ऐड नहीं करना है, बस हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। मैंने एक पैन में घी ऐड कर लिया है। अब हम काजू बादाम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म में ही डालना है। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया था, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने काजू और बादाम डाले हैं, आप चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसे लाइट गोल्डन कर ले और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर मैंने अच्छे से तल लिया है। देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स गोल्डन हो चुके हैं, हम इसमें हलवे में डाल लेंगे और ढांक लेंगे। अच्छे से इसकी खुशबू इसके अंदर चली जाए, 2 मिनट तक ऐसे ही ढांक कर रखेंगे। लीजिए, कद्दू का हलवा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, मैंने इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मैंने नेचुरल रखा है, यही कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।